गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा कि अभी तक हमने राज्य के बारे में, जो उसके नागरिकों के मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब अगला टॉपिक यहाँ पे जो केंद्र सरकार है उसके बारे में अध्ययन हम शुरू करेंगे। तो भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग जो केंद्र सरकार है उसको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है, यानी केंद्रीय सरकार को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें पहला है जिसको व्यवस्थापिका कहा जाता है, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अब यहाँ पे जो व्यवस्थापिका है उसके भी तीन पार्ट हैं, पहले में राष्ट्रपति आता है, दूसरे में लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। यानी व्यवस्थापिका तीन पार्टों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दूसरी तरफ जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, एक नाममात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। जो नाममात्र की कार्यपालिका है वो भारत का राष्ट्रपति है, और जो वास्तविक कार्यपालिका है वो भारत की जो मंत्रिपरिषद है उसको वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। अब यहीं पर कार्यपालिका का एक और भी वर्गीकरण होता है जिसको अस्थाई कार्यपालिका और अस्थाई कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। जो मंत्रिपरिषद होता है, प्रधानमंत्री हैं, इनको अस्थाई कार्यपालिका कहते हैं, जबकि जो IAS अफसर होते हैं उनको अस्थाई कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका में हम लोग आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे हम क्रम से स्टार्ट करेंगे। जो पहला आपका व्यवस्थापिका है, और व्यवस्थापिका का जो महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको भारत का राष्ट्रपति कहा जाता है, तो यहाँ पर हम राष्ट्रपति के अध्ययन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वह ब्रिटेन के शासन व्यवस्था के आधार पर काफ़ी मिलता जुलता है। जो ब्रिटिश व्यवस्था में व्यवस्थाएं हैं उसी को हमारे देश में अधिकांशता अपनाने का प्रयास किया गया है। तो जैसे ब्रिटेन में एक शासन का अध्यक्ष है और एक सरकार का अध्यक्ष है, वहाँ पे शासन का एक अध्यक्ष होता है और दूसरा सरकार का अध्यक्ष होता है। शासन का अध्यक्ष वहाँ पर सम्राट है और सरकार का अध्यक्ष वहाँ पे प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद है। तो हमारे यहाँ पर भी उसी प्रकार की व्यवस्था है, एक शासन का अध्यक्ष है और दूसरा सरकार का अध्यक्ष है। तो यहाँ पे शासन के अध्यक्ष के रूप में भारत में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। लेकिन यह व्यवस्था भारत में जो राष्ट्रपति पद की है, शासनाध्यक्ष की है, वह ब्रिटिश शासन व्यवस्था से अलग है। हमारे देश में कहा गया अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी अनुच्छेद 52 है उसमें क्लियर कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसका जो महत्वपूर्ण कार्य होगा वह देश के प्रशासन की जिम्मेदारी को संभालना होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी संघ सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी भी कार्यपालकीय शक्तियाँ हैं वह राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। लेकिन इसके ही साथ साथ कहा गया कि इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कराएगा। अब यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक तो है स्वयं, दूसरा है अधीनस्थों के माध्यम से। तो यहाँ पे स्वयं केवल आलंकारिक शब्द है, जबकि राष्ट्रपति स्वयं किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि वह समस्त शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। यहाँ पे अधीनस्थ से तात्पर्य है जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है, उसका जो संगठन है उसी को अधीनस्थ के नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो भारत में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है वह ब्रिटेन के अनुसरण पे हुआ है, और इसके साथ ही यहाँ पर यह भी प्रावधान है कि जो भारत में राष्ट्रपति होगा वह अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं से नहीं करेगा, बल्कि वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सहायक सहयोग से, सलाह से ही अपने समस्त कार्यों का संपादन करेगा। अब जैसा कि भारत में है, पहले क्या था कि स्टार्टिंग समय में राष्ट्रपति थोड़ा उसको उसकी सीमाएं बाधित नहीं की गई थी, लेकिन बाद में
इंदिरा गांधी की सरकार के समय में संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसके द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियां और सीमित कर दी गईं। पहले था कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को बार बार लौटा सकता था, जब तक उसको उस पर संतुष्ट नहीं होता था सिग्नेचर नहीं करता था। बाद में उसमें संशोधन कर दिया गया कि कोई भी विधेयक अगर सदन दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उस पर केवल एक बार उसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकती हैं। अगर संसद उसको दोबारा पारित करके राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर सिग्नेचर करना आवश्यक होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करने का कार्य किया गया, जिससे वह जो शक्तियाँ उसको यथार्थ में मिली हैं उसका प्रयोग ना करें, बल्कि उसका जो व्यावहारिक रूप है मंत्रिपरिषद को उसका प्रयोग करने की पूरी आज़ादी दें। अब आगे आता है कि जो भारत में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, किस प्रणाली से होता है। तो इसके लिए कहा गया भारतीय संविधान में अनुच्छेद 54 में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा और वह निर्वाचक मंडल निम्न सदस्यों से मिलकर के बनेगा, जिसमें ये लोग शामिल होंगे, जिसमें पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और तीसरा बाद में 17वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो इस प्रकार से इन तीन प्रकार के सदस्यों से मिलकर जो बनने वाला निर्वाचक मंडल होता है, इस निर्वाचक मंडल के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, यानी राज्यसभा लोकसभा, लेकिन यहाँ पर जो निर्वाचित मेंबर होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जो राज्यों में विधानसभाएं होती हैं वहाँ पर विधानसभाओं के जो विधायक होते हैं निर्वाचित वो शामिल होते हैं, विधान परिषद के सदस्य यहाँ पर शामिल नहीं होते हैं। इसके साथ ही संविधान में 17वां संविधान संशोधन किया गया और उसके आधार पर अभी तक जो दो केंद्र शासित प्रदेश थे दिल्ली व पुडुचेरी वहाँ पर विधानसभाओं की रचना की गई, विधानसभाओं का गठन किया गया और इसके बाद कहा गया कि ये दोनों विधानसभाओं के जो मेंबर्स होंगे वो भी आगे से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो इस प्रकार से यह निर्वाचक मंडल बनता है और इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस प्रकार जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले तो उसको 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए और 50 उसके प्रस्तावक होने चाहिए, यानी किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 100 सांसदों का समर्थन होना आवश्यक है। अगर 100 सांसद नहीं होंगे उसके समर्थन में तो वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि का भी प्रावधान किया गया है जो वर्तमान में 15,000 है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसके आगे का जो पार्ट है वो कंटिन्यू आगे के पार्ट में कवर किया जाएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो उसके आप लोग नोट्स वीडियो को देख करके बार बार उसको बना लीजिएगा। धन्यवाद।